रीवा जिले में सड़क दुर्घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। गढ़ सुहागी गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र बस दुर्घटनाओं के लिए चर्चा में बने रहते हैं। सोमवार की सुबह लाल गांव से कटरा जा रही यात्री बस का अचानक पहिया सड़क के किनारे धस गया, जिससे बस अनियंत्रित हो गई। बस में आधा सैकड़ा यात्री सवार थे, जिनमें से दो दर्जन यात्री घायल हो गए, जबकि दो की हालत गंभीर बताई जाती है। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर आला अधिकारी पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया है। घायलों को उपचार के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया है, जबकि जो गंभीर हालत में थे उन्हें संजय गांधी अस्पताल रेफर किया गया है, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। जिन यात्रियों को मामूली चोटें लगी थी उन्हें घर भेज दिया गया है। पूरे मामले को लेकर एडिशनल SP अनिल सोनकर ने बताया कि बस का पिछला पहिया फंसने के कारण बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है। आज लालगांव से सिरमौर के लिए पैसेंजर बस जा रही थी। परमिट की बसें हैं जो वहां से यात्रियों को लेकर जाती आती हैं। आज सुबह एक बस जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गई, उसका पिछला चक्का ग्रामीण रोड पे धस जाने के कारण वो पलट गई, जिससे कुछ लोग घायल हो गए हैं। जो साधारण घायल थे तत्काल पुलिस ने उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भेज दिया था। स्थानीय शेष दो लोग जो है कुछ गंभीर घायल थे, उनको SGMS लेके आया गया है, वहाँ भी उनका उपचार चल रहा है। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर, या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर, या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।